पबजी प्लेयर अनोन्स बैटल ग्राउंड गेम। इस गेम की मैं बात करूं और वो आपको पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त था जब GTA 5 का समय था, बच्चों से लेकर बड़ों तक GTA 5 के शौकीन थे। कुछ लोगों के लिए ये गेम सपना है अब तक। तभी मार्केट में पबजी आता है और विनर विनर चिकन डिनर के नाम से फेमस हो जाता है। खास बात यह थी कि कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक ये गेम आ गया और GTA 5 फुस। लेकिन बात यहाँ गेम की नहीं होने वाली, बात होने वाली है पबजी की आदत की। पबजी का नशा पबजी दिलो दिमाग पर घुसता जा रहा है। पबजी गेम की लत लगने की सच्चाई, किसी को मदहोश बनाता है ये पबजी। टट्टी करते समय, खाना खाते समय, स्कूल जाते टाइम, हर वक्त पबजी पबजी। लेकिन पबजी गेम से जुड़े मामले सामने आते जा रहे हैं, जो पबजी की लत की बढ़ती हद बयान कर रहे हैं। हम यहाँ गेम की बुराई नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि गेम बनाने के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन किसी भी चीज की अति या जास्ती अच्छी नहीं होती और वे कुछ बुरा ला सकती है। क्योंकि पबजी गेम की लत के चक्कर में खाना पीना, यहाँ तक ऑफिस तक लोग भूलते जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को आदत अब ये तमाशा दिखाते जा रही है। दरअसल बात UAE की है। एक मामला सामने आया उस दिन, बात पुलिस तक पहुंच गई। एक महिला किस कदर पागल थी पबजी के लिए, अब बात सामने आ चुकी थी। उस महिला ने शिकायत की थी कि उसका पति उसे पबजी खेलने नहीं दे रहा। हुआ यह था कि महिला पबजी की लत में दिन रात लगी थी, इसी चक्कर में वे उसके पति पर ध्यान देना तक भूल गई थी। इस वजह से पति का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने पत्नी के पबजी खेलने को मना कर दिया और मोबाइल तोड़ने तक की कोशिश भी की थी। अब महिला भी आग बबूला हो गई, दोनों में हो गया झगड़ा और बात पुलिस तक पहुंच गई और अब मामला तलाक तक जा चुका है और महिला पति को तलाक देना चाहती है। क्योंकि महिला का कहना है कि वे पबजी उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड के साथ खेलती है और ये मेरी फ्रीडम है और मेरे फ्रीडम का कोई इस तरह हनन करे मुझे बर्दाश्त नहीं, इससे अच्छा मुझे तलाक चाहिए। अब पति कहता है कि मैं उसे सारे फ्रीडम देता हूँ, लेकिन किसी भी चीज की इतनी सारी लत क्यों? क्योंकि इसके लिए पति तक को वे भूल जाए ये मुझे भी बर्दाश्त नहीं, ऐसा पति का मानना है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी पबजी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है किसी वायरस की तरह। अब ये वायरस किसी की जान पे भी बना रहा है, कोई बीमार तो कोई आत्महत्या कर रहा है। लेकिन कैसे? कहीं ये गेम को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? या फिर जैसा मैंने पहले कहा था कि गेम की हद से ज्यादा लत। एक और मामला था जिसमें एक व्यक्ति ने डॉक्टर से शिकायत की थी कि उसकी गर्दन की नसें बे इंतहा दर्द कर रही है। डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्या काम कर रहे हो, तो उसने कहा कि कुछ खास तो नहीं, लेकिन 45 दिनों से पबजी गेम खेल रहा हूँ। डॉक्टर ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। अब कुछ टेस्ट किए गए और रिपोर्ट में सामने आया कि युवक के लंबे समय तक गेम खेलने की वजह से गर्दन के आसपास की नसों में सीरियस इंजरीज हो गई थी। हालांकि इस घटना की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक और मामला महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से सामने आया था। दो मृतक के शव रेल पटरियों के पास आधी रात में मिले थे। वे हैदराबाद अजमेर ट्रेन के चपेट में आ चुके थे और अंजाम मौत। ये घटना 570 किलोमीटर दूर हिंगोली में हुई थी। जब मामले की छानबीन हुई तो सामने आया कि वे दोनों युवक पबजी खेलते खेलते ट्रेन की चपेट में आ गए थे। और अब सवाल ये था कि कोई गेम ज्यादा खेलने पर किस तरह दिमाग पे असर कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को उसकी मौत के करीब ले जाए। वे दोनों शख्स की उम्र 20 से 25 के बीच में थी, लेकिन इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए थे और गेम पबजी के बारे में चर्चाएं चरम पर थी। लेकिन रेल पटरियों के पास गेम खेलना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ऐसे न जाने कितने मामले सामने आते रहते हैं पबजी से रिलेटेड। एक लड़के ने अच्छे मोबाइल में पबजी खेलने की मंशा जाहिर की थी उसके पिता के सामने, लेकिन पिता के मना करने पर उसने पिता के अकाउंट से 50,000 चुराए थे। और एक मामले में सामने आया था कि पबजी के लिए अच्छा मोबाइल ना मिलने पर एक फलाफल व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार पबजी की वजह से सामने आती रहती है। और एक ताजा खबर पता चली है कि इराक में इस गेम पर बैन किया गया है। अब सवाल तो तब भी है कि पबजी गेम तो लगातार दिन ब दिन फेमस होती जा रही है, ऐसे में कई पबजी की लत से जुड़े नए मामले दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा पबजी गेम बनाने वाले को, इतनी बेहतरीन गेम बनाई तो लत पड़ना तो कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन किसी भी चीज की बुरी लत हद से ज्यादा लत खराब है और अब डर है
कि पबजी का हाल ब्लू वेल गेम जैसा ना हो जाए। आपको क्या लगता है इसके बारे में या पबजी गेम के बारे में, बताना जरूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।